Congratulations, Rajesh. मान गए यार, आज जिंदगी के रिंग में तूने बाजी जीत ही ली हाँ? ये बॉक्सिंग रिंग नहीं है विजय, जो हर बाजी सिर्फ तू ही जीते. Congratulations. Congratulations, congratulations. thank you. Court marriage या फिर भाग के शादी? नहीं यार, माँ-बाप की मर्जी से शादी की है, बकायदा सात फेरे लेकर. वही ना, आशीर्वाद, डोली, बोली वगैरह वगैरह सब बोरिंग है. मैं तो अपनी नीता से इंटरनेट पे शादी करूंगा या फिर कोर्ट मैरिज. शादी तो करोगे ना? Of course, 100%. इतना भाव के मेरे लिए. ओ यार अतुल, ओ तूने तो मुझे अपनी दोस्ती की कसम देकर प्रॉमिस दिया था यार कि जब तक मुझे मेरी पिंकी नहीं मिलती तब तक तू शादी नहीं करेगा यार. और राजेश मुबारक हो यार. थैंक्स यार. तू कंवारा रहेगा. अरे तू फिक्र मत कर, तेरी मेरी शादी साथ में होगी. पिंकी को उसकी माँ की चुंगल से मैं छुड़ा के लाऊंगा. अरे तू मेरा दोस्त है, तू मेरा यार है यार. रेडी खींच में. लगता है इसे फिर कोई जोक याद आ गया. जोक सुनाने से पहले खुद ही हंसने लगते हो. और आज तक कोई जोक सुना ही नहीं सके. अरे अरे बोल ना. बोलता हूँ. आजा सुनो यार. एक बार एक लड़की अपनी माँ से कहती है शादी के वक्त, अपनी माँ से, माँ ये सुहागरात क्या होती है मुझे नहीं मालूम. अपनी बहन से पूछती है, बहन ये सुहागरात क्या होती है मुझे कुछ नहीं मालूम. इतने में एक बुढ़िया आती है, 70 साल की बुढ़िया, कहती है बेटे ये सब चीजें सिखाई नहीं जाती, इनकी कोई स्कूल नहीं होती, और अगर फिर भी तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मैं चले जाती हूँ. One minute. ए कौन हो तुम? अरे कमाल है, मुझे नहीं पहचाना. अरे मेरी ये हालत देखकर अपने प्रेम को भूल गए? अरे बेटा जिस प्रेम के चक्कर में तू पड़ा है ना उसमें एक ना एक दिन हाल तो होना ही था. शट अप यार, मेरा एक्सीडेंट हो गया था. मौत के मुंह से बचकर मैं तुम्हें यहाँ बधाई देने आया हूँ. अच्छा होता कि मैं अस्पताल चला जाता, कम से कम तुम लोग मुझे फूल देने के बहाने वहाँ मिलने को तो आते. थैंक यू यार, तूने तो मेरे फूलों का खर्चा ही बचा दिया. वेलकम. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. मैं फटीचरों की तरह ऐसे ही खाली हाथ नहीं चला आया. ये रहा हीरो का हार, मेरी और रश्मि की तरफ से तुम दोनों के लिए. Congratulations. Thank you, यार. बहुत मुबारक हो. राजेश, अशोक को अपने बाप दादा की दौलत पे बड़ा गुरूर है. प्लीज तुम उसकी बात को बुरा मत मानना. कैसी बातें करती हो? अशोक की नेचर को कौन नहीं जानता. रश्मि, 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 मैं वो अबे क्या कर रहा है, कुछ बोलेगा भी? रश्मि मैं वो बोलना. क्या बात है राजेश, तूने अपनी शादी में भिखारियों को भी बुला रखा है? ये लो पैसे और हम सबके लिए दुआ करना. अरे लो चलो रश्मि. मेरे जैसे प्रेम पुजारी को तूने सड़क छाप भिखारी बना दिया. अरे दौलत क्या, मैं तुझे यही 100 का नोट मेरे और रश्मि की शादी में दूंगा, जहां तू शहनाई बजाएगा. विजय सामने देख, बहुत मजा आने वाला है. लो एक और मजनू मारा गया. अगर कोई बंदा उस लड़की को जाकर गले लगाए और बिना झापड़ खाए वापस आ जाए तो मैं 500 रुपए की शर्त लगाता हूँ. ठीक है, ये मेरे भी 500. ये मेरे भी 500. ले यार मेरे भी. तो आप में से जाएगा कौन? नहीं, सारे डरपोक हैं. मैं जाता हूं.
ये तो टेबल के ऊपर से निकल गया। तुम्हारी शर्म आया मर गई क्या? प्यार मुझसे करती हो और गले किसी गैर आदमी की लगती हो। कौन है वो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? भाई, उसकी एक सगी बहन थी। उसकी शक्ल हूबहू मुझसे मिलती थी। उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हो गई। एक बहन का भाई से गले मिलना कौन सा बड़ा पाप है? Bloody fraud, cheater. मेरे पास हो मेरे पास। और मेरी बात सुन, तू पागल तो नहीं है? इडियट, मेरे पैसे ले। बल्ले पुमेंट पढ़ना चाहता हूँ। तूने प्रीति को बहन बना के गले लगाया? ओ, ओ, शराफत से मेरे पैसे लौटाता है, तेरा भांडा फोड़ दूँ। ये ले 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 ले। अरे तू भाई है, भाई है मेरा। वो देख, भूखे शेर की तरह खड़ा हुआ। चल उसके मजे लेते। चल 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 चल। अतुल, आज रात क्या है? आज हमारे लौंडे की सुहागरात है। तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? फैमिली प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं। अरे कैसी बात कर रहा है यार? अरे तू मेहमानों को खाना खिलाने के चक्कर में खुद भूखा रह जाएगा। जा। ओ जा यार, सेलिब्रेट किया सुहागरात। गो। आज तो ये भूखा ना आवे कमरे से। तुम लोग जाके देखो उसकी वाइफ को क्या हुआ। चलो ऊपर चलते हैं और एम्बुलेंस बुलाओ यार। प्लीज प्लीज, दरवाजा खोलो। दरवाजा तोड़ दो। ब्रेक द डैम डोर मैन, फास्ट। जस्ट मूव। तुम उधर जाओ। ओके, उस तरफ जाओ। हे राजेश, होल्ड ऑन। एम्बुलेंस आ रही है। ओके राजेश, तेरी वाइफ को हुआ क्या?
हाँ राजेश हाँ ओह गॉड प्रेम ये दुल्हन के कपड़े पूरा कमरा छान मारा कोई नहीं मिला हमें फौरन पुलिस को खबर करना चाहिए जब तुम लोग वहां कमरे में पहुंचे तो वहां पर तुम लोगों को कोई मिला जी कोई नहीं मिला उस लड़की से कहां शादी की थी राजेश ने पता नहीं उस लड़की का कोई अता पता पता नहीं इन कपड़ों से कातिल को पकड़ना नामुमकिन है अगर इस कत्ल का कोई सुराग दे सकता है तो वह लड़की जिसके बारे में आप लोग कुछ नहीं जानते एक मिनट इंस्पेक्टर साहब उस लड़की के फोटो मैंने रिसेप्शन में खींचे थे जो मैं आपको लाके दिखा सकता हूं इट्स ब्रिलियंट जाओ पहले उस लड़की के फोटोग्राफ्स लेकर आई विल जस्ट गेट बैक टू यू लड़की की फोटो ही नहीं आई ये कैसे पॉसिबल है वो कौन थी आज मैं एक आत्मा हूं पर कल मेरे पास शरीर था मेरे भी कुछ अपने थे कुछ दोस्त थे लेकिन तुम तो अपने नाम की ना कटवा रहे हो अरे जिस लड़की के साथ तुम प्यार करते हो उसके सामने अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकते लाना थे तुम पर मैं क्या करूं दिव्या रश्मि तो अशोक से मोहब्बत करती है नहीं प्रेम रश्मि की माँ को कैंसर है हॉस्पिटल और घर का खर्चा अशोक उठाता है रश्मि की मजबूरी है वरना अशोक जैसे घमंडी और बदतमीज लड़की को कोई लड़की अपने पास तक ना फटकने दे थैंक यू दिव्या आज तुम्हें मेरे अंदर का कांटा निकाल दिया मैं अभी जाके रश्मि से अपनी सारी दिल की बातें कह देता हूँ रश्मि रश्मि क्या है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ ओए तू इससे जो कहना चाहता है पहले मुझको बता क्या बात है बताता हूँ मैं कहने वाला था कि क्या कहने वाला था कुछ भी तो नहीं हाँ मैं कहने वाला था कि कुछ याद नहीं आ रहा है कुछ तो कहने वाला था लेकिन क्या कहने वाला था मैं भूल गया प्रेम को देख के मुझे एक जोक याद आया इसकी तरह मेरी भी दो चीजें बहुत फेमस है क्या एक तो मेरी याददाश्त और दूसरी वो दूसरा मैं भूल गया है अच्छा प्रेम को तुम मोहब्बत का सबक सिखा रही थी हमें भी तो एक मौका दे दो हम भी तो साबित कर दें कि हम किसी से कम नहीं अच्छा तो चलो कहाँ प्रिंसिपल साहब के अरे फॉरगेट इट दिव्या हम तो मजाक कर रहे थे और तुम सीरियस हो गई अगर हमें पता होता कि बात प्रिंसिपल साहब तक पहुंचेगी तो हम बिल्कुल मजाक नहीं करते है ना सॉरी चलो बाय 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 दिव्या क्या हुआ हीरो दिल टूटा या सर फूटा सर फूटता तो कोई गम नहीं होता यार आज तो दिल टूट गया भगवान ने सिर्फ इन्हीं लड़कियों को दिल तोड़ने का हक क्यों दिया है यार बस यही तेरी प्रॉब्लम है अब दिल और लड़की के बीच में भगवान कहां से आ गए ये मेरी समझ में ए अतुल सारा कॉलेज जानता है कि तू नास्तिक है हम दोनों को नास्तिक बनाने की कोशिश मत करना चल मदन सी यू गाइस विवेक तू ही मेरा एक ऐसा दोस्त है जिसके लिए मैं जान दे भी सकता हूँ जान ले भी सकता हूँ अब तुम लोग भगवान को मानते हो मैं तुम लोग को नहीं रोकता यार जिस चीज को मैं जानता नहीं पहचानता नहीं मैटरेंस नहीं मानता भगवान को अतुल हर इंसान को कभी ना कभी भगवान को मानना ही पड़ता है यार और मेरा दावा है कि तेरी जिंदगी में ये समय बहुत चल जाएगा तुम कॉलेज की मिड टर्म में ही अपना घर छोड़कर हॉस्टल में क्यों आ गए दरअसल मेरे डैडी हमेशा बीमार रहते थे मेरी जिद की वजह से माँ उन्हें हिल स्टेशन ले गई आई एम फिनिश्ड मैं जा रही हूँ तुम लोग अंदर आए कैसे खिड़की से और अगर तुम्हें इतराज है तो हम इसे भी बंद कर देते और दिव्या तुम तो जानती हो ना पर्सनल रिलेशनशिप्स बंद कमरों में ही बनते हैं शट अप तुम लोग उन बेशर्म लोगों में से हो जिनके दिल में किसी के लिए भी इज्जत नहीं इज्जत सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी
मेरी दिव्या को छूने की सजा तो मैंने उन्हें दे दी, लेकिन एक लड़की की इज्जत पर हाथ डालने की सजा अभी बाकी है। करण सर, ये जलील और घटिया हरकत करने वाले वो लड़के हैं जिन्हें स्टूडेंट्स कहते हुए शर्म से गर्दन झुक जाती है। इन दोनों ने आज गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर एक लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की। अगर मैं इस कॉलेज का एक स्टूडेंट नहीं होता तो इन्हें पुलिस के हवाले कर देता या इन्हें इतना मारता कि इनके घर वाले इन्हें पहचानने से इनकार कर देते। Throw them behind the bars. इनको पुलिस की हिरासत में दे दो। नहीं सर, आपने अपनी पूरी जिंदगी देकर इस कॉलेज की रेपुटेशन बनाई है। आप हम सबके आदर्श हैं। इन दोनों ने जो जलील हरकत की है उसकी सजा आप इन्हें देंगे। लानत है मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स। नेवर। मैंने तुम दोनों को इस कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया एंड आई विल सी टू इट कि तुम दोनों को किसी भी कॉलेज में एडमिशन ना मिले। हमें माफ कर दीजिए सर, हमसे भूल हो गई, हमारा करियर स्पॉइल हो जाएगा सर, हम होश खो बैठे थे सर। सर सर, हम आपसे वादा करते हैं जिंदगी में ऐसी भूल दोबारा नहीं करेंगे सर। हमारा विश्वास कीजिए, हमें माफ कर दीजिए सर। अगर दुनिया में तुम्हें कोई माफ कर सकता है तो वो है वो लड़की दिव्या। दिव्या, हमें पता है कि हम माफी के काबिल तो नहीं है, मगर इंसानियत के खातिर हम हाथ जोड़ते हैं, हमें माफ कर दो प्लीज। इंसान की पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। प्लीज फॉरगिव अस प्लीज। कम ऑन यार दिव्या, माफ कर दे, गलती किसी से भी हो सकती है। अगर ये हरकत इन लोगों ने प्रीति के साथ की होती तो तुम क्या करते? हाथ पैर तोड़ देता मैं। लेकिन फिलहाल तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे यार, माफ कर दे। दिव्या, एक बात कहें, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर मरे हुए आदमी का भी दिल धड़क उठे, फिर तो ये जीते जागते नौजवान है, इनका क्या हाल होगा? अरे तुम इसे मना रहे हो कि पटा रहे हो? अरे यार, बनाने के लिए ही पटा रहा हूँ। दिव्या दिव्या प्लीज, इन लोगों को माफ कर दो। दिव्या, चाहे तुम टॉस करवा लो या डेमोक्रेटिक तरीके से वोटिंग करवा लो, पर रिजल्ट सिर्फ एक ही होगा कि तुम्हें इन दोनों को माफ कर देना चाहिए। दिव्या दिव्या, जहाँ सब लोग तुम्हें इतना मना रहे हैं वहाँ तुम्हें मान लेना चाहिए, वरना हम लोग सब समझेंगे कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है। कम ऑन प्लीज, माफ कर दो ने। सुनो, मेरे पास एक सलूशन है। मैं एक जोक सुनाता हूँ और अगर दिव्या ने मुस्कुरा दिया तो समझो तुमको माफी हो गई, ठीक है? तो एक बार क्या होता है कि एक पत्नी अपने पति से पूछती है कि पुराने जमाने में राजा महाराजों की 100-100 बीवियां हुआ करती, वो उनको खिलाते क्या थे? तो पति ने कहा, अरे उनके खाने की छोड़, 100-100 बीवियां रखने के लिए वो खुद क्या खाता था। लगता है इनको माफ। हंसती हंसती हंसती। कुड़िये चल ओते चलिए जिथे प्रीता लाइए, एक दूजे दी अख विच रह के दुनिया नू भुलाइए। चल कुड़िये चल ओते चलिए जिथे प्रीता लाइए, एक दूजे दी अख विच रह के दुनिया नू भुलाइए। ओए किथे ओए किथे, अरे ओते 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 जिथे ऐश करांगे जवानी कैश करांगे, जिथे ऐश करांगे जवानी कैश करांगे। ओए कुड़िये 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 मेरे कैश करांगे, जवानी कैश करांगे, हमने अपने
पंजाबी, तूने ऐसा मंत्र तेरा लुट गया जट पंजाबी। जिंदगी भर दूसरों की शादी में नाचते रहेंगे या वो दिन भी आएगा जब दूसरे हमारी शादी में नाचेंगे? दूसरे भी हमारी शादी में नाचेंगे, लेकिन दिव्या आज रात मैं बिजनेस के सिलसिले में लंदन जा रहा हूँ, वहाँ से लौटते ही शादी की तारीख तय कर लेंगे। ये बताने के लिए तुम्हें आज का ही दिन मिला था? उस दिन मैं हॉस्टल में तुम्हें यही बताने आया था, लेकिन उन कमीनों की वजह से बात रह गई। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें ग्रेजुएट बीवी चाहिए, क्योंकि 2 महीने के बाद मेरा फाइनल एग्जाम है। कितने बजे की फ्लाइट है? देखो तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं आ सकती, क्योंकि मेरा छोटा भाई मुझे छोड़ने आ रहा है। भैया, भैया अब तक आप मेरे साथ थे ना, मुझे कभी किसी बात की कोई कमी महसूस नहीं हुई, पर आज आप लंदन जा रहे हैं, मुझे लग रहा है आपके साथ मेरा सब कुछ जा रहा है। विवेक, तू छोटा है ना, इसलिए तू अपने दिल की बात कह सकता है। देख मैं कुछ महीनों में ही तो वापस आ जाऊंगा। विवेक, मेरी गैर हाजिरी में खूब दिल लगा के पढ़ना। अगर तुम ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम्हें पता है ना, पापा की विल के मुताबिक तुम्हें कंपनी के आधे शेयर्स नहीं मिलेंगे। आप ऐसी बात इसलिए करो ना भैया, क्योंकि मैं आपका सौतेला भाई हूं। विवेक, क्या कहा तुमने, सौतेला? खबरदार, अगर तुमने दोबारा ये लफ्ज अपनी जुबान पर लाया तो। सॉरी भैया, आइंदा इस शब्द जुबान पर कभी नहीं लाऊंगा।
दिव्या तो रात को वहां कैसे पहुंच गई? न जाने मैं वहां कैसे चली गई, मुझे लगा मुझे कोई पुकार रहा हो। ये पुकार किसकी थी दिव्या, किसी मर्द की या औरत की? ये तेरी तरह नहीं है, इसको किसी लड़के को पुकारने की जरूरत नहीं है, बस इशारा कर दो चल देती है। जस्ट शट अप यार। वो तो अच्छा हुआ मैंने तुझे गेट से बाहर जाते हुए देख लिया। तुम लोग कॉलेज जाओ, मैं तैयार होके आती हूँ। ओके बाय दिव्या। बाय दिव्या। बाय बाय। वसुंधरा मैं आऊं? 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 तुम क्या समझते हो? इस तरह से छुप छुप के आवाज देने से मैं डर जाऊंगी? अगर हिम्मत है तो सामने आओ, आओ। मैं यहां सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हर नए जन्म में इंसान अपने पिछले जन्म को भूल जाता है। उन रिश्तों की खातिर तो रुक जाओ जो सदियों से तुम्हारे और मेरे बीच हैं। ना मैंने सदियां देखी हैं और ना ही तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता है। तो फिर मेरे गीत की आवाज सुनकर बेसुध होकर यहाँ क्यों चली आई? तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हारे और मेरे बीच एक अटूट संबंध है वसुंधरा। कौन वसुंधरा? मेरा नाम दिव्या है। इस जन्म में तुम्हारा नाम जो भी हो लेकिन तुम्हारा असली नाम वसुंधरा है और मेरा कपिल। हम दोनों एक ही यूनि में थे। मैं एक नाग हूं और तुम मेरी प्रेमिका थी। सांप और मेरा प्रेमी? हाँ वसुंधरा हाँ। तुम में और मुझ में सिर्फ एक ही अंतर था कि उस जन्म में मैं एक इच्छाधारी नाग था और तुम्हारे जीवन के 100 वर्ष पूरे होने के बाद तुम एक इच्छाधारी नागिन बनने वाली थी। इच्छाधारी नाग नागिन? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा वसुंधरा। मेरे नाग बनते ही मेरे माथे पे जो मणि होगी उसे उठा के अपनी जबान से छू लेना, उसके बाद तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा।
तेरी यार की हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की। प्यार का मैं वादा निभाऊंगी। आ जा आ जा आ जा आ जा, जिंदगी मैं तुझे पे लुटाऊंगी, जिंदगी मैं तुझे पे लुटाऊंगी, मैं तो मर के भी तुझको चाहूंगी। तुम दोनों के कारण मेरी वर्षों की तपस्या भंग हो गई। आज पूर्णमासी की रात मेरा ईश्वर से मिलन निश्चित था, जिसे तुम दोनों ने खंडित कर दिया है। इच्छाधारी नाग, मैं तुझे श्राप देता हूं, जिस नागिन से तू अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है, आज सूर्यास्त के समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। तू अकेले ही जिएगा और तेरा जीवन तेरे लिए श्राप बन जाएगा। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, अगर हमें मालूम होता कि आप अपनी तपस्या में यहां लीन हैं, हम यहां भूल से भी नहीं आते महाराज, हम यहां भूल से भी नहीं आते। यह भूल नहीं, अपराध है और अपराधी को दंड मिलना निश्चित है, केवल दंड। हमें ऐसा दंड मत दीजिए महाराज, आप साधु हैं, कृपा और क्षमा करना आपका स्वभाव है, हम पर दया कीजिए और हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। असंभव, जिस तरह धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आ सकता, जिस तरह चिता जलने के बाद मनुष्य जीवित नहीं हो सकता, उसी तरह से मेरा दिया हुआ श्राप भी वापस नहीं लौट सकता। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, प्रेम में तो ईश्वर का वास होता है। हम एक दूसरे से अलग मत कीजिए महाराज, हमें एक दूसरे से अलग मत कीजिए। अनजाने में जो हमसे भूल हो गई है उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, पर हम एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। इस तपस्वी का श्राप अटल है, अटल है, अटल है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश भी
इस तपस्वी के श्राप को नहीं बदल सकते। नहीं महाराज नहीं, अगर आपका श्राप अटल है तो हम भी निर्णय ले चुके हैं कि या तो आप हमें क्षमा करेंगे या फिर इन पत्थरों पे अपना माथा पटक पटक कर हम अपने प्राण दे देंगे। महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमें क्षमा कीजिए, हम पे दया कीजिए, हम पे कृपा करें, हमें माफ कर दीजिए, हमें क्षमा कीजिए, हम पे दया कीजिए, हमें क्षमा कीजिए, हमें माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। रुक जाओ, अपना श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, परंतु तुम्हें एक मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन वो मार्ग बहुत कठिन है। मैं संसार के किसी भी मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूं महाराज। वसुंधरा, नहीं वसुंधरा, वसुंधरा मुझे छोड़ के मत जाओ, वसुंधरा, 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 वसुंधरा तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। वसुंधरा, वसुंधरा, वसुंधरा मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। वसुंधरा तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। वसुंधरा नहीं, वसुंधरा, वसुंधरा तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। वसुंधरा नहीं, तुम्हें अपनी वसुंधरा को पाने के लिए बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी बालक। मैं अपनी वसुंधरा को पाने के लिए सदियों प्रतीक्षा कर सकता हूं। तो सुनो, वसुंधरा का जन्म 21वीं सदी में एक कन्या के रूप में ही होगा और उसी जन्म में तुम दोनों का प्रेम अमर हो जाएगा। मैं इस संसार में अपनी वसुंधरा के अलावा किसी को नहीं देखना चाहता। आप मेरी ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि जब भी देखूं अपनी वसुंधरा को ही देखूं। आज से इस बरगद में ही तुम्हारा वास होगा और 21वीं सदी में वसुंधरा के पुकारने के बाद ही तुम इस बरगद से बाहर आओगे। सदियों की तेरी ये प्रतीक्षा ही तेरे लिए वरदान होगी और तुझ में ऐसी अद्भुत शक्तियां आ जाएंगी कि तुझ पे विजय प्राप्त करना असंभव होगा। परंतु तेरी पराजय केवल उस मनुष्य के हाथों होगी जिसमें ईश्वर की दी हुई दिव्य शक्तियां होंगी। जाओ प्रवेश करो। छोड़ के क्यों चली आई? मेरे सामने बहुत बड़ी दुविधा है। तुम मेरे जन्म जन्म के प्रेमी हो। अगर इस जन्म में मुझे तुमसे मिलना था तो भगवान ने मेरी जिंदगी में दूसरे आदमी को आने ही क्यों दिया? जीवन की हर दुविधा का उत्तर इंसान के पास नहीं होता। जिस सवाल को भगवान ने जन्म दिया है, समय आने पर उसका उत्तर भी भगवान ही देगा। लेकिन एक मिनट। हेलो, हाय दिव्या, दिव्या अतुल यार, हाउ आर यू? मेरे पास टाइम नहीं है अतुल, जल्दी बोलो क्या बात है? अरे तुम हमेशा जल्दी में रहती हो। अच्छा मेरी बात सुनो, कल वैलेंटाइंस डे और हम सब एक पार्टी रख रहे हैं नागदा फोर्ट में। विल हैव ग्रेट फन, तुम्हें आना ही पड़ेगा। ओके ओके, मैं आ जाऊंगी। अच्छा 11 बजे नागदा फोर्ट, ठीक है? हाँ मैं 11 बजे नागदा फोर्ट में पहुंच जाऊंगी। ओके ओके, बाय बाय। ये जन्म कुंडली किसकी है? ये खाने की लिस्ट है और ये दोस्तों की लिस्ट है। ओके, आई होप हम लोग किसी को भूले नहीं है। लेट्स डिस्कस द बजट। बजट की फिक्र मत करो, ये रहे 50,000 रुपए कल की पार्टी का खर्चा। थैंक यू। मगर एक चीज याद रखना, एवरीथिंग शुड बी ए ग्रेड। कोल्ड ड्रिंक के साथ हार्ड ड्रिंक मत भूलना। तुम लोग शराब पियोगे? जी नहीं, हम तो डब्बे वाला दूध पियेंगे। अशोक,
तुम अकेले पैसे नहीं भरोगे, हम सब भरेंगे, समझे? And remember, no hard drinks. अरे, excuse me. अरे क्या कर रहा है यार? इसे पैसे लुटाने का शौक है और ऐसे बेवकूफ बड़ी मुश्किल से मिलते हैं. क्या कहा तूने? हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं. तू तो हमारा बैंक है, वो फाइनेंस मिनिस्टर है, एटीएम मशीन है तू. अरे तू तो होप है हमारा, इंडिया का टॉप है. अच्छा प्लीज अब ये मजाक बंद करो और ये ट्रांसपोर्टेशन और गेम्स के बारे में डिसीजन कौन लेगा? मदन प्लीज जाके फोन देखना प्लीज. मैं अब्दुल तू जा. मैं तू क्या आप क्यों जाएंगे? ए राजेश तू जा यार. मैं जाता हूँ. हेलो हेलो कौन बोल रहा है? राजेश यार जरा फोन अतुल को देना, मैं दिव्या बोल रही हूँ. अतुल बाहर कल के प्रोग्राम की तैयारी कर रहा है. शुड आई कॉल हिम? नो नीड, जस्ट इन्फॉर्म हिम. कल मैं पार्टी में नहीं आ सकती. ओके जस्ट होल्ड ऑन, मैं अभी जाके अतुल को बुलाता हूँ. एक मिनट. क्या हुआ राजेश? पूरे ग्रुप में से किसी को अंदर आने मत देना. अरे मगर बात क्या है यार? देख वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, अब तुझे जितना कहा गया उतना कर. चल निकल निकल. हेलो क्या हुआ दिव्या? राजेश ने अभी बताया कि तुम कल की पार्टी में नहीं आ रही हो. What's the problem? I'm a little upset. इसलिए मैं नहीं आ सकती. ठीक है जब तुम ही नहीं आ रही हो तो मैं प्रोग्राम कैंसिल करता हूँ. लो प्रेम से बात करो. ये ले प्रेम. हेलो दिव्या प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम. देखो कल रश्मि वहां आ रही है और अगर तुम वहां रहोगी तो फिर मैं रश्मि से अपने दिल की बात कह सकूंगा. Try to understand my problem. मैं नहीं आ सकती. Hey Divya, how you doing, baby? Hey, दोस्तों के लिए लोग अपनी जान दे देते हैं. तुम हमारे लिए पार्टी पर नहीं आ सकती? Come on, baby. Gotta come to the party. तुम लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? अभी तक तो हम लोगों ने जबरदस्ती नहीं की, लेकिन अगर तुम कल नहीं आई तो हम सब मिलकर तुम्हें जबरदस्ती उठा कर ले आएंगे. दिव्या अगर कल तुम्हें आने में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं अपनी नई गाड़ी भेज दूं. नो थैंक यू. ए विवेक ये ले दिव्या से बात कर. अरे लेना यार. दिव्या हाय. तुम्हें अपने प्यार की कसम दिव्या, तुम्हें कल सेलिब्रेशन में आना ही होगा. हाँ देखो हम लोग तुम्हें मिस नहीं कर सकते. विवेक तुम क्यों जिद कर रहे हो? बात सुनो ये घर किसका? तुम्हारा. तो मेरे टेलीफोन पर राजेश किसके हाथ भिड़ा हुआ है? अरे उसकी गर्लफ्रेंड का है यार, समझा कर. कल के प्रोग्राम के लिए उसको पटा रहा है. पर मेरे घर का नंबर उसकी गर्लफ्रेंड को कैसे पता? यार अतुल ये उस पीसीओ तक का नंबर अपनी गर्लफ्रेंड को दे आता है जहाँ ये 15 मिनट से ज्यादा बैठता है. देखो दिव्या हम लोगों को तुम्हारे बिना किसी प्रोग्राम में अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी कल प्रीति को घर जल्दी जाना, इसलिए हम लोगों ने प्रोग्राम का टाइम 11 बजे के बजाय 10 बजे रखा. और वैसे भी देखो ना तुम्हें भी हॉस्टल जल्दी पहुँचना, इसलिए देखो कल हम लोग 10 बजे शाम नागदा फोर्ट में मिल रहे हैं. ओके बाबा ओके, मैं ठीक 10 बजे नागदा फोर्ट पहुँच जाऊंगी. ओके कल पक्का सब लोग 11 बजे मिल रहे हैं. ओके राइट. चलो आ गया. क्या बात है खुशियों के पर निकल रहे हैं. हाँ पट गई यार, बड़ी मुश्किल से पटी. देखा मेरा कमाल. अबे साले तू तो बड़ा चालबाज निकला यार. मिमिक्री करते करते तूने उस दिव्या को फंसा लिया. हाँ मदन, जिस लड़की की वजह से पूरे कॉलेज के सामने हमारी बदनामी हुई है उस लड़की को अब सबक हम ही सिखाएंगे. अतुल विजय तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी यह है कि तुम कॉलेज में पंक्चुअल हो. भाई वाह, तुमसे तो घड़ी मिलाई जा सकती है, मगर अफसोस कि आज तुम्हारा वक्त खराब है. बकवास बंद करो और बताओ कि बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी सब लोगों ने तो मिलकर तुम्हें 11 बजे के बजाय यहाँ 10 बजे बुलाया है. और जब तक वो लोग आएंगे तुम्हारी इज्जत लूट चुकी होगी और हम सब मिलकर तुम्हारी बर्बादी का जश्न मनाएंगे. शट अप! तुम्हें ट्रैप किया गया है. अरे ये एक फुल प्रूफ प्लान है. उस दिन जब तुमने नागदा फोर्ट पे आने से इनकार किया उसी वक्त हम सब लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया. विवेक अतुल बाकी सब दोस्तों की बात तो तुम टाल नहीं सकती थी, इसलिए हम सारे दोस्तों ने मिलकर तुम्हें यहाँ बुलवाया. और हाँ वो विजय था ना जिसने सबके सामने तुम्हें 11 बजे के बजे 10 बजे बुलाया था. सुनो हम आ गए. और फिर मेजबान और मेहमान दोनों आमने सामने हैं, और देखो यहाँ तो कोई दरवाजा भी नहीं है जिसे तोड़ के तुम्हें कोई बचाने आएगा. मेरे नजदीक मत आना. डोंट टच मी. तो फिर चलो आज कॉम्पिटिशन हो ही जाए.
या तो तुम अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हो जाओगी या फिर हम लोग लूटने में। लेट्स स्टार्ट बेबी। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। ठहरो, तुम लोगों में से मेरे कोई करीब नहीं आएगा, कोई करीब नहीं आएगा। लेकिन लेकिन क्यों दिव्या? तुम लोग नीच धोखेबाज हैवान हो। मेरे साथ दगाबाजी की है तुम लोगों ने, मेरे भरोसे को तोड़ा है। लेकिन दिव्या, हम लोगों ने ऐसा किया क्या जो हम पे इल्जाम लगाती जा रही हूँ? मेरे पीठ पे छुरा घोपा है तुम लोगों ने, अब हम दर्द बन के मेरा दर्द बांटने आए हो? कोई जरूरत नहीं है। Don't come near me. तुम्हें हम लोगों पर इस तरह शक करने का कोई हक नहीं है दिव्या। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि तुम हमें गालियां देती रहो। तुम लोगों ने जो पाप किया है उसके लिए मैं तो क्या, भगवान भी तुम्हें माफ नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा पाप किया हम लोगों ने दिव्या? इन दोनों के पाप में तुम सब बराबर के हिस्सेदार हो। तुम सबकी साजिश ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम सब गुनहगार हो, पापी हो। वसुंधरा, तुम्हारा ये हाल किसने किया? वसुंधरा, वसुंधरा, अच्छा हो तुम आ गए कपिल, मुझे नापाक करने के लिए ये सारे जिम्मेदार हैं। इसलिए मैंने इस जिस्म को खत्म कर दिया है। तुम्हें सौगंध है तुम्हारे सच्चे प्यार की, इन सबको खत्म कर दो, इन सब का नाश कर दो। वसुंधरा, 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 वसुंधरा। Thank you.
ऐसा हुआ मेरे साथ। इस तरह से उस दिन तुमने एक को मारा और आज मैंने दूसरे को। हम लोग उन लोगों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे कपिल। उनमें से कोई जिंदा बचना नहीं चाहिए। तुम्हारी शक्ति की एक सीमा है। तुम एक आत्मा हो और आत्मा सिर्फ इंसान के जिस्म में घुसकर उसे खत्म कर सकती है, लेकिन मैं एक इच्छाधारी नाग हूं। मेरी ताकत की ना कोई हद ना कोई सीमा है। दुनिया में ऐसा कोई रूप नहीं है जो मैं इख्तियार नहीं कर सकता। वो सब हम दोनों के दुश्मन हैं। मैं उन सबको ऐसी भयानक मौत दूंगा कि अगला जन्म लेने से पहले उन सब की रूह कांप उठेगी। अरे क्या मायूसों की तरह चेहरा लटका के रखा तुम लोगों ने? क्या हुआ तुम लोगों को? हाँ, अरे क्या हुआ? रह रहे के उस दिव्या का मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है। उस दिन उन्हें माफी दिलाने की वजह सजा दिलानी चाहिए थी। दोस्त के नाम पर गाली थे दोनों। अच्छा हुआ कुत्ते से भी बदतर मौत मरे। जैसे करनी वैसे भरनी। अगर वो उन कमीनों को नहीं मारता तो मैं उन दोनों को अपने हाथों से मार डालता। मगर वो था कौन और दिव्या के साथ उसका क्या रिश्ता था? उसने दिव्या को वसुंधरा क्यों कहा? मुझे तो ये रिबर्ट की मिस्ट्री लगती है। मुझे तो डर लगता है कहीं इस मिस्ट्री के चक्कर में हम लोग ना फंस जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मौत का सिलसिला शुरू हो गया और हम सब की जाने लेने के बाद ही ये खत्म हो? उस इच्छाधारी भयानक सांप की आंखों में हम लोगों की तस्वीरें छप चुकी होंगी। वो अब हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या बकवास कर रहा तू यार? अरे वो एक बुरा सपना था। इट्स ओवर। एवरीथिंग इज ओवर नाउ। इट्स सेलिब्रेशन टाइम नाउ। मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी अपने फार्म हाउस पर और मैं चाहता हूं कि तुम लोग सब उधर आओ बिकॉज इट्स माय बर्थडे। अब क्या हो गया इसको? व्हाट नॉनसेंस। पता नहीं किस कबाड़ी की दुकान से तुम ये मोटरसाइकिल उठा के लाए हो। जब भी हमें किसी पार्टी में जाना होता है ये हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मैं बताता हूँ सीमा, इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ये मोटरसाइकिल मुझसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करती है। जब तुम इस पे बैठती हो ना इसकी धड़कनें बंद हो जाती है। ओफो, कम ऑन विक्टर, वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट। अब तुम ये सोचो कि यहाँ से जल्दी निकल कर हम जाएंगे कैसे वहाँ पर। आई थिंक देयर इज अ कार ओवर देयर, लेट्स गो। नहीं भाई रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रोको, रोको। गाड़ी खराब हो गया? जी हाँ। इतना अच्छा छोकरी लेके घूमता है, खटारा गाड़ी काहे को रखता है? नया गाड़ी ले आओ। लिफ्ट देंगे या नहीं? हम फुल फैमिली के साथ पुणे जा रहा है, तुमको किधर जाने का है? लोनावला। हाँ लेकिन सिटिंग में जगह नहीं है। स्टैंडिंग ले जाओगे क्या? नहीं, तुम दोनों में से किसी एक को गोद में बिठा के लेके जाएगा, लेकिन तुम्हारा थोड़ा वजन ज्यादा है, हमारा गोद टूट जाएगा। पर मैं कैसे बैठ सकती हूँ इसकी गोद में? उसकी शक्ल तो देख, तेरे बाप का उम्र का आदमी है। यू जस्ट गो, आई विल कम, डोंट वरी, प्लीज गो। ओके। आराम से बैठो। बाय बाय। इनका ध्यान रखना। चिंता मत करो, चिंता मत करो। मरी गए हो रे? नहीं नहीं नहीं, तुम इधर नहीं। ऐसा करो तुम आगे बैठ जाओ। डॉली डार्लिंग तुम पीछे आओ, इसको आगे बैठने दो। हाँ।
बैठो बैठो इधर बैठो। अरे इतना जोर से धक्का मारती है, दंसा खा के पारे की माफिक हो गई है। क्यों बाबा जी, जोर की पड़ी ना? बहुत जोर का था, मालूम नहीं कैसे मारा इसने। लिफ्ट? या लोनावला? यस। बैठो। थैंक यू वेरी मच। तुम अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी पे जा रहे हो? तुम्हें कैसे पता? मैं तो तुम्हारे दोस्त का नाम भी जानता हूं, अतुल। आखिर तुम हो कौन? मैं एक अनजान यात्री हूं जिसके साथ तुम आखिरी सफर कर रहे हो। अनजान यात्री, आखिरी सफर? मैं कुछ समझा नहीं। तुम जानना चाहते हो? साहब ये सब? इसकी मौत किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई है, इसका कत्ल हुआ। ही इज बीन ब्रूटली मर्डर्ड। इसकी गर्दन पर मोटरसाइकिल के टायर के निशान है। आसपास के इलाके में हमारे क्लोज सर्किट कैमरास भी लगे हुए हैं, लेकिन अजीब बात तो यह है कि वहां से कोई मोटरसाइकिल गुजरी ही नहीं। कातिल जो भी है बहुत शातिर है, बट डोंट वरी, वील गेट हिम।
सलोन तेरा देख के हाय दिल मेरा न रजे रूप सलोन तेरा देख के हाय दिल मेरा न रजे कहाँ चली है ओ कुड़िये कल मिलेंगी किन्ने बच्चे ग्यारह बजे या बारह बजे 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 रूप सलोना मेरा देख के हाय दिल तेरा ना रजे रूप सलोना मेरा देख के हाय दिल तेरा ना रजे तेरे जैसे लड़के फिरते हैं मेरे सच्चे खफ्ते ग्यारह बजे या बारह बजे 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 ये 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 कुछ जफियां पाले मुंडिया तेरा क्या कहना जरा दूर दूर मुझसे रहना मुझे पता है जान तू लेगी लेकिन किन्ने बजे ग्यारह बजे या बारह बजे ग्यारह बजे या बारह बजे करांगे तेरे रूप दे सजदे हर रोज करांगे अरे देख मेरे ये नैन नशील कर दूंगी तेरे पुरजे दिल रब ही जाने सोनिए कब सिद्ध अपनी तू छटे ग्यारह बजे या बारह बजे 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 रूप सलोना तेरा देख के हाय दिल मेरा ना रजे रूप सलोना तेरा देख के हाय दिल मेरा ना रजे कहाँ चली है ओ कुड़िये कल मिलेंगी किन्ने बजे ग्यारह के बारह ग्यारह बजे या बारह बजे 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 स्टॉप इट स्टॉप इट बंद करो ये नाच गाना क्या हुआ विजय रंग में भंग क्यों डाल रहे हो क्योंकि तुम्हारे बीच राजेश और मदन का हत्यारा मौजूद है
जिसने अभी अभी विक्टर का कत्ल किया है। कैसी बात कर रहे हो विजय, विक्टर तो यहाँ खड़ा हुआ है, फिर उसका कत्ल कैसे हो सकता है? वो विक्टर नहीं, विक्टर का कत्ल। विजय, विजय संभालो अपने आप को। लियो यू बास्टर्ड, जिसके साथ तुम नाच रहे हो ना, वो विक्टर का मर्डरर है, बिलीव मी यू गॉट। अरे वो नहीं है, वो ये विक्टर नहीं है तो और कौन है विजय? ये वो इच्छाधारी नौक है जिसने विक्टर का खून किया। मैं अभी हाईवे पर उसकी लाश देख कर आ रहा हूँ। आई विल किल दिस बास्टर्ड। मैं तुम्हारी चाल समझ चुका विजय, तुम मेरे दोस्तों को बहका कर मेरी जान लेना चाहते हो, क्योंकि इच्छाधारी नाग मैं नहीं तुम हो विजय। मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्यों रे? ये मुझे कातिल समझ रहा है? आज तक मरने के बाद के वापस आया है क्या? सीमा तुम्हें नहीं ये बताओ कि तुम मुझे दफना कर यहाँ आई थी, फिर मेरे साथ इस पार्टी में आई थी? तुम बोलो ना सीमा, असलियत क्या है? हाँ हाँ डेफिनेटली, मैं और विक्टर एक साथ इस पार्टी में यहाँ आए थे। सीमा इसका विश्वास मत करो, ये इच्छाधारी है, कोई भी रूप धारण कर सकता, कोई भी भाषा बोल सकता है, कभी भी किसी भी वक्त किसी का भी कत्ल कर सकता है। ये क्या हो रहा है? विक्टर तुम्हें नाक बोल रहा है, तुम उसे नाक बोल रहे हो, क्या हो रहा है ये? क्या तमाशा है ये? कोई तमाशा नहीं, हकीकत है। विजय ये साबित करना चाहता कि मैं तुम लोग का जानी दुश्मन हूँ, लेकिन मैं ये साबित कर दूंगा विजय हत्यारा नाक है। अगर तुम लोग को भरोसा नहीं है तो इसे आईने के सामने ले चलो, क्योंकि इच्छाधारी नाक का अक्स आईने के सामने दिखाई नहीं पड़ता। छोड़ना नहीं इसे। वो अभी देख के आ रहा हूँ मैं, चलो चलो चलो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। विजय विजय तू सही कर रहा था। क्या आज तुम लोगों की नादानियों के वजह से वो भाग गया। आज अगर तुम लोग मेरा साथ देते तो मैं उसे यही जान से मार देता। नको। लाइट गई। ओह माय गॉड। अंधेरे में भी जो याद आ गया है तुम्हें। शमा, तुम्हारे परवाने का जाने का वक्त आ गया। शमा, दोस्तों, मैं तुम्हें हंसाने के बजाय रुला कर जा रहा हूं, मुझे माफ कर देना। शमा का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। विक्टर और अब्दुल जैसे निर्दोष दोस्तों की मौत के बाद अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, हम लोग सब के सब मारे जाएंगे। Everyone will be killed. विवेक बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो कोई ऑर्डिनरी सांप नहीं है, ना ही दिव्या कोई आम लड़की। They are supernatural powers. What supernatural power? अगर वो supernatural power है तो इसका मतलब हम हाथ पे हाथ रख के बैठ रहे हैं, हाँ? अरे हम सब मिल जाए तो आराम से उसका मुकाबला कर सकते हैं। मगर सबसे पहले हम लोगों को यह पता कर लेना चाहिए कि उनके पास कैसी ताकत है, कौन सी ताकत है और कितनी ताकत है। पहली बार तुम लोगों की वजह से मैंने उसे छोड़ दिया था, लेकिन दोबारा अगर वो मेरे सामने आए ना तो सांप के बच्चे की दुम पकड़कर मैं उसे जमीन पर पटक पटक कर मार दूंगा। लेकिन वो हमारे हाथ आएगा कैसे? मैं बताता हूँ, वो लोग मौत से भी आगे जा चुके हैं, इसलिए तुम लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच तो यह है कि आज जहां हमारी साइंस खत्म होती है वहीं से इन ताकतों की शुरुआत होती है। मैं पैरासाइकोलॉजी का प्रोफेसर हूं, अगर तुम वाकई इस प्रॉब्लम का हल चाहते हो तो आओ मेरे साथ। दिव्या देखो, हम यहां सब तुम्हारे दोस्त हैं, ये तुम्हारे साथी हैं,
तुम जहां भी हो चली आओ दिव्या। आ जाओ दिव्या, आओ दिव्या, आओ, आ जाओ दिव्या। तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? दिव्या, तुम्हारे गुनेगार राजेश और मदन थे, तुमने उनको मार डाला। अब्दुल और विक्टर का क्या कसूर था? उन्हें तुमने क्यों मारा? इनमें से कोई मासूम नहीं है, ये सब के सब मेरे बर्बादी के जिम्मेदार हैं। ये बार बार इल्जाम लगाकर तुम साबित क्या करना चाहती हो? क्या तुमने मुझे नागदा फोर्ट आने के लिए इन्वाइट नहीं किया था? हाँ किया था तो? और जब मैंने इनकार करने के लिए तुम्हें दोबारा फोन किया, तब किस मुंह से कहा था कि अगर तुम साथ नहीं चलोगी तो प्रोग्राम कैंसिल? देखो, तुम्हारा ना मेरे घर कोई फोन आया था, ना ही मेरी तुम्हारी कोई बातचीत हुई थी। अब तो विजय तुम भी यही कहोगे कि 11 बजे की जगह 10 बजे आने के लिए तुमने नहीं कहा था। लगता पागलपन में तुमने आत्महत्या की है, इसलिए तुम्हारे मन में जो कुछ भी आ रहा है तुम भगती जा रही हो। और अशोक, तुम तो अपनी नई गाड़ी भेजने वाले थे मुझे लेने के लिए, कहते ये भी झूठ है? ये नई गाड़ी की कहानी तो मेरी समझ से बाहर है। सच तो ये है, उस दिन तुम सब ने मिलके एक प्लान बना के मुझे जान में फंसाया, आज फिर तुम सब मिलके मुझे झूठा साबित करना चाहते हो। किसी ने तुम्हारे खिलाफ कोई प्लान नहीं बनाया दिव्या, ये प्लान, ये जाल, ये सब तुम्हारे अपने दिमाग की उपज है। दिव्या, अरे ये तो सोचो कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके किसी को क्या मिलेगा। हम लोग रिश्तों की इज्जत करना जानते हैं, इज्जत से खेलना नहीं। तुम लोगों के चिल्लाने से तुम्हारे गुनाह कम नहीं होंगे, याद रखना तुम सबको हम एक एक करके तड़पा तड़पा के मारेंगे। Now you go to hell. मैं क्या गोली से मरती है? अब मैं लाख चाहूंगा तब भी दिव्या को नहीं बुला सकता। So what, sir? मैंने कोई पाप नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है, वैसे भी मैं ये आत्मा से नहीं डरता। सर, अतुल की बात से मुझे एक बात याद आई। आपको याद है पिछले साल एनुअल फंक्शन में राजेश ने अपने सारे दोस्तों की किस तरह मिमिक्री की थी? मुझे लगता है राजेश ने सबकी आवाजें निकालकर ये घिनौना खेल खेला होगा। सची में भी राइट, क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग बैठ के घर पे प्रोग्राम बना रहे थे उस टाइम राजेश किसी से बात कर रहा था, और मेरे पूछने पर मदन ने जवाब दिया था कि वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है और उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। बल्कि प्रोग्राम के दिन दोनों में से किसी की भी गर्लफ्रेंड नहीं आई थी। मुझे यकीन हो गया है कि तुम लोग सभी बेकसूर हो। अब इन सब की जान आपके हाथ में है सर, इन सबको बचा लीजिए सर, प्लीज कुछ कीजिए सर। गॉड कैन सेव यू। आत्मा से बड़ी ताकत परमात्मा की होती है, वहीं से हर ताकत जन्म लेती है और वहीं पर जाकर खत्म होती है। जब तक ये लॉकेट तुम लोगों के गले में पड़ा रहेगा, तब तक कोई भी नाग या इच्छाधारी सांप तुम लोगों का बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। सॉरी सर, मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं रखता, प्लीज। अतुल सर, आप ये लॉकेट मुझे दीजिए। प्लीज अतुल, पहन लो ना इसे। जिस चीज को मैं जानता नहीं, मानता नहीं, फिर उसे अपने गले में डालकर जानवरों की तरह घंटी बांधकर क्यों घूमूं? Why? I don't believe all this. रुक जाओ ना प्लीज। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि मैं तुम्हारी हर जिद पूरी करूं। मैं क्या तुम्हारा बुरा चाहती हूँ अतुल? भगवान के लिए ना सही, पर फैशन के लिए तो गले में डाल सकते हो ना। मैं ऐसी कोई चीज नहीं पहनूंगा जिसका ताल्लुक धर्म या भगवान से हो, बस। तो फिर आज मेरी भी जिद है, मैं ये लॉकेट तुम्हें पहना के रहूंगी। जिद करने से कुछ नहीं होगा, ऐसे गो बैक। आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर। अतुल, तुम नहीं जानते इसे तुम्हारी हिफाजत होगी। ये बेजान लॉकेट मेरी हिफाजत करेगा, मैं अपनी रक्षा खुद करना जानता हूँ, समझी? गो नाउ। मैं हर हालत में तुम्हें ये पहना के रहूंगी। नीता, पागल मत बनो तुम। छोड़ो नीता, पागल मत बनो तुम। जाओ, मैं नहीं पहनूंगा इसे। मैं नहीं विश्वास करता इन चीजों पे। जिद मत करो प्लीज। पागल मत बनो तुम। Oh.
आई लव यू। और फौरन मेरे घर पे पहुंच जाओ। अरे जब तक तुम रिसीवर नीचे रखोगी मैं तुम्हारे घर के नीचे होऊंगा। ओके बाय 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 बाय। जाने मन तू खूब है तू खूब है। जाने मन तू खूब है तू खूब है। जाने मन तू खूब है तू खूब है। दिल फिदा तुझ पे किया है तू मेरी महबूब है। जाने मन तू खूब है तू खूब है। जाने मन तू खूब है तू खूब है। दिल फिदा तुझ पे किया है तू मेरा महबूब है। जाने मन तू खूब है खूब है तू खूब है। टकरा गए तो एक नशा छाने लगा। दिल से दिल टकरा गए तो एक नशा छाने लगा। तुम लगे सीने से जीने का मजा आने घड़ी भी दिल को राहत बिन तेरे मिलती नहीं। एक घड़ी भी दिल को राहत बिन तेरे मिलती नहीं। तू नहीं मिलती तो दिल की धड़कने चलती नहीं। Let's go.
दुनिया की अद्भुत शक्ति के आज के इस एपिसोड में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से करवाने जा रहा हूं जिनका ये दावा है कि दुनिया की हर नामुमकिन चीज को ये मुमकिन बना सकते हैं। मैं आपको दुनिया का 8वां, 9वां और 10वां अजूबा मानूंगा अगर देखते ही देखते आप एक निहायत ही खूबसूरत लड़की बन जाए। अमेजिंग। अब चलिए अब आप एक तोता बनकर दिखाइए और वो भी बोलने वाला तोता। मेरे दोस्त तुम्हारी ये जो रूप बदलने की कला है उससे तुमने मेरा और हमारे इन सारे दर्शकों का दिल जीत लिया है। लेकिन क्या आप अपना असली रूप हमारे इन दर्शकों को दिखाएंगे? हाँ? तो चलिए हम देखते हैं कि उनका असली रूप क्या है लेकिन उससे पहले लेते हैं ब्रेक। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। डोंट गो अवे। अगर मम्मी जाग जाएगी तो टीवी देखने नहीं देगी। कहती आंखें खराब होती है ना। कोई बात नहीं बेटा, अब हमारे घर में है सैंस्विको सीरीज टीवी जिसमें है एंटी ग्लेयर फिल्टर ग्लास जो टीवी देखना बनाए बिल्कुल आरामदायक। क्यों आंखों देखे पर भरोसा करोगे ना? सैंस्विको सीरीज आपकी आंखों का स्पेशलिस्ट। सैंस्वी पेश करते हैं भारत का पहला फ्लैटोट्रॉन टीवी 750 वॉट्स की धमाकेदार आवाज के साथ। सैंस्वी बेटर देन द बेस्ट। अरे ये क्या, हमारे मेहमान कहाँ चले गए? हेलो हेलो, अरे आपका कोई असली रूप भी है? कहीं ऐसा तो नहीं तोता साहब आप कहीं उड़ गए? व्हाट नॉनसेंस, पहले गेस्ट गायब हो जाता है फिर होस्ट गायब हो जाता है, क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? बिल्कुल नहीं। हा? एक अच्छा होस्ट होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं पब्लिक के हर सवाल का जवाब दूं। हमारे इस शो में किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा। अगर आप फिर भी मेरे रूबरू होकर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो बंदा हाजिर है। कौन हो तुम? मैं वही हूं। अपनी मौत को अपने सामने देख के तू ये जान गया होगा कि तेरी मौत का वक्त नजदीक आ गया है। Thank you.
डॉक्टर, डॉक्टर अतुल कैसा है डॉक्टर? उसकी जान तो बच गई है, बट क्या डॉक्टर? He has gone in coma. Take care. मैंने ये पार्टी सिर्फ तुम्हें दी है, फिर यहाँ प्रेम को बुलाने की क्या जरूरत थी? प्रेम एक अच्छा लड़का है अशोक, और एक उसके आ जाने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तुम्हें नहीं, मुझे पड़ता है। उस गरीब फटीचर से मुझे नफरत है। उसके गरीब होने से तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, लेकिन वो आज भी मेरा अच्छा दोस्त है और फ्यूचर में भी रहेगा। I will kill him! जब तुम तैर सकती थी तो फिर ये डूबने का नाटक क्यों किया? ये देखने के लिए कि अगर मैं पानी में डूब रही हूँ तो तू मुझे बचाने के लिए कूदोगे या नहीं। मैं पानी में कैसे कूद सकता था, मुझे तो तैरना ही नहीं आता। तैरना तो प्रेम को भी नहीं आता, लेकिन इसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। प्यार का दावा करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको निभाना उतना ही मुश्किल। और जिस आदमी को डूबने वाले से ज्यादा अपनी जान की फिक्र हो, वो आदमी खुद गर्ज हो सकता है, प्यार करने वाला नहीं। जी रश्मि है? जी हाँ, अंदर है। हैप्पी बर्थडे रश्मि। थैंक यू प्रेम। तुम्हें याद था कि आज मेरा जन्मदिन है? अगर मुझे कुछ याद है तो तुम और तुम्हारा जन्मदिन। सच? हाँ रश्मि। तुम्हें तो बर्थडे विश करना भी नहीं आता। बर्थडे विश मी। बर्थडे किस? मैं और किस? कम ऑन प्रेम, मेरे गालों पे किस करो। कम ऑन प्रेम, किस मी। यू हैव टू किस मी प्रेम, कम ऑन। बौना होकर चांद को छूने की कोशिश कर रहा है, इतनी हिम्मत बढ़ गई तेरी? रुक जाओ अशोक, रुक जाओ। इसमें प्रेम का कोई कसूर नहीं है। प्रेम को बर्थडे किस करने के लिए मैंने कहा था। बंद करो ये बकवास। कॉलेज से देख रहा हूं कि तू रश्मि के पीछे कुत्ते की तरह दो मिलाते हुए घूमता है। कभी ने तेरी इतनी हिम्मत तेरी कि तू रश्मि के इतने पास पहुंच गया? हाँ, यू बास्टर्ड, गेट आउट फ्रॉम हियर। हराम खोर। अशोक मत मारो इसे, अशोक इसे मत मारो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद मेरे पास कभी नजर नहीं आएगा अशोक। ये बात, हट जा यहाँ से। जिंदा रहेगा तो नजर आएगा ना। अशोक इसे मत मारो। ठीक है डाले, तुम कहती हो तो इसकी जान बख्श देता, वरना आज इसे जान से मार देता। चलो फार्म हाउस पर, हमेशा की तरह तुम्हारी जन्मदिन की खुशी में आज भी एक शानदार पार्टी रखी है। जल्दी चलो यहां से, इसे देखता हूं ना तो मेरा खून खौल उठता है। सुधर जा, समझे? दिल तो पहले से ही जख्मी था, अब जिस्म भी हो गया। अच्छा सिला मिला प्यार का।
इश्क सनम इश्क खुदा इश्क बिना है क्या, इश्क सनम इश्क खुदा इश्क बिना है क्या, ना होंगे कभी मिलके जुदा, हो आरे हमें इश्क हुआ, ना होंगे कभी मिलके जुदा, हो आरे हमें इश्क हुआ। कभी मिलके जुदा अरे हमें इश्क हुआ, न होंगे कभी मिलके जुदा अरे हमें इश्क हुआ। जैसा हाल है इश्क हसी इश्क जवा इश्क बिना है क्या, इश्क हसी इश्क जवा इश्क बिना है क्या, ना होंगे कभी मिलके जुदा, हो अरे हम इश्क हुआ, ना होंगे कभी मिलके जुदा, हो अरे हम इश्क हुआ। सनम इश्क खुदा इश्क बिना है क्या, ना होंगे कभी मिलके जुदा, हुआ रे हमें इश्क हुआ, ना होंगे कभी मिलके जुदा, हुआ रे हमें इश्क हुआ। दिस इज फॉर यू रश्मि, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। कहाँ जा रही हो रश्मि? आज तो एक स्पेशल डे है, तुम्हारा बर्थडे। आई वॉन्ट अ बर्थडे किस। हरामजादे, तेरी ये मजाल, मेरे ही घर में घुसकर तूने मुझे छूने की हिम्मत की, तेरी तो मैं हराम खोर जल्लाद होकर नाजुक फूल को छूने की कोशिश करता है, तुम्हें उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? मैं कॉलेज से तेरी हरकतें देखते आ रहा हूं, आज मैं तेरी ही पार्टी में मेरी हर बेइज्जती का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। ना तो ये जिंदा रहेगा ना तुम्हें परेशान करेगा, आज मैं तुम्हें तोहफे में एक आजाद जिंदगी जीने दे रहा हूं रश्मि। हमारे साहब को मार दिया। पकड़ो इसे, साहब का गुटिया, पकड़ो इसे, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो इसे, पकड़ो, पकड़ लो। पकड़ो।
तूने मिस्टर अशोक का मर्डर क्यों किया? Why you are killing? जब पुलिस का डंडा हलक में जाता है ना, तो बड़े से बड़ा मुजरिम तोते की तरह बोलता है। बोल, तूने अशोक का मर्डर क्यों किया? क्यों? क्यों? Stop it, Inspector. I said stop it. तुम्हें एक मासूम को इतनी बेदर्दी से पीटने का कोई हक नहीं है। ये तुम बोल रहे हो मिस रश्मि शर्मा, जो खुद अशोक के मर्डर केस की आई विटनेस हो? हाँ, इसलिए मैं शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर मिस्टर बैनर्जी को अपने साथ लाई हूं इंस्पेक्टर, क्योंकि क्योंकि प्रेम निर्दोष है। ये सच है कि मेरे जन्मदिन पर अशोक को प्रेम के बीच में हाथापाई हुई थी, पर अचानक अशोक का पैर फिसल गया और उसका सर पत्थर से जा टकराया, जिससे उसकी मौत हो गई। It was just an accident. आपके इस स्टेटमेंट पर तो मैं मिस्टर प्रेम को हैंड टू हैंड कोर्ट से बचा कर ले आऊंगा। कोई सजा नहीं दिलवा सकता मेरे इस क्लाइंट को। तुम मेरे लिए झूठी गवाही क्यों दे रही हो? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love you, Prem. I love you. कितना पागल था मैं, कितना बेवकूफ था। जो बात मैं आज तक रश्मि से नहीं कह पाया, वही बात भगवान आज तूने रश्मि से कहलवाई। ओ गॉड, यू आर ग्रेट। कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ, तो तुमने अपने साहब का कत्ल करते हुए किसे देखा? ये जो सामने आदमी खड़ा ना साहब, उसने हमारे साहब को जान से मार दिया। हाँ साहब, हमने खून करते हुए देखा था साहब। साहब, ये जो आदमी कटघरे में खड़ा ना, इसी ने हमारे मालिक का खून किया साहब, इसी ने खून किया है। Your Honor, ये वो सब चश्मदीद गवाह हैं जो मिस्टर अशोक केजरीवाल के यहाँ नौकरी करते थे। फिर इनकी गवाही पर यकीन कैसे किया जाए? हो सकता है ये नौकर अपने मालिक की तरफ अपनी वफादारी साबित करने के लिए इस बेगुनाह इंसान को गुनहगार ठहरा रहे हैं। इसीलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मिस रश्मि शर्मा को अदालत में हाजिर होने की इजाजत दे। इजाजत है? मिस रश्मि, मिस्टर अशोक केजरीवाल का खून किसने किया? जज साहब, अशोक का खून इसने किया है जिसका नाम प्रेम है। ये प्रेम जैसे पवित्र लस पत्तू का वह हैवान है जो लाद है, बेरहम कसाई है। इसने मेरे अशोक को बड़े मेरे में जिम्मा डाला और जब मैं उसको छुड़ाने की लाख मिनट तक करते रहते तो मुझे भी ठोकरों से मारा। ये खूनी है, ये तो मर्डर है, टोटली भी मियाँ ना। ऐसे आदमी को तो भरी अदालत में फांसी पे लटका देना चाहिए। He should be hanged by the court of law. He should be hanged by the court of law. He should be hanged by the court of law. Objection, Your Honor. मैं मिस रश्मि से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। नहीं वकील साहब, रश्मि से और कुछ पूछने की जरूरत नहीं। जब रश्मि ने कह दिया कि मैं कातिल हूं, तो उसके बाद किसी सवाल की गुंजाइश ही नहीं। जो कुछ भी रश्मि ने कहा है वो सच है। थैंक यू रश्मि, थैंक यू वेरी मच। प्यार में इससे बड़ा तोहफा और क्या मिल सकता है? आप अपना फैसला सुनाइए जज साहब। तमाम एविडेंस और मुलजिम के कन्फेशन के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, प्रेम श्रीवास्तव ने ही मिस्टर अशोक केजरीवाल का मर्डर किया है। इसलिए यह अदालत इंडियन पेनल कोड क्रिमिनल एक्ट 302 के तहत प्रेम श्रीवास्तव को फांसी की सजा देती। ही विल बी हैंग टिल डेथ। ये क्या किया तुमने रश्मि? अपने ही प्रेम को फांसी दिलवा दी? क्यों? आए!
बचाना चाहती थी उसे अदालत ने मेरी वजह से फांसी दे दी। फांसी डॉक्टर अतुल को होश कब आएगा? देखिए ये बताना बहुत मुश्किल है, एक कोमा में गया हुआ पेशेंट बाहर कब और कभी भी आएगा, बट डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। गॉड इज ग्रेट। ओके I'll kill you, damn it! मैं जान से मार दूँगा तुम्हें। I swear I'll kill you. What happened, Vijay? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ। What is the matter? क्यों इतना शोर कर रहे हो विजय? सर मैं इतने स्टूडेंट्स के सामने कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन लेकिन वो फिर मेरे सामने आया था सर। विजय, तुम्हारी इस तरह की हरकत से क्लास का माहौल खराब होता है। प्लीज डोंट रिपीट सच बिहेवियर। सर ये आप कह रहे हैं? जो अच्छी तरह जानते हैं हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इफ यू कैनॉट बिहेव प्रॉपरली देन प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। मैंने यह फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी शादी मेरे बचपन के दोस्त मिस्टर ओबराय के बेटे राजू से करूंगा। कल तक तो आप मेरी शादी विजय के साथ करने के लिए तैयार थे पापा, फिर आज अचानक आपका फैसला क्यों बदल गया? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी वक्त से पहले ही विधवा हो जाए। आप उस वक्त क्या करते डैडी, अगर आज विजय के साथ मेरी शादी हो चुकी होती? पर बेटी शादी हुई कहां, जो रिश्ता बना ही नहीं। मैं उसके बारे में तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ। तो आप मेरा भी फैसला सुन लीजिए,
अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विजय के साथ और किसी के साथ नहीं। बॉक्सिंग में तो बहुत कुछ हो सकता है। आप कहना क्या चाहते हैं राजू? आज बॉक्सिंग में विजय से तुम्हारा कंपटीशन है। बॉक्सिंग में ऐसी जगह भी तो चोट लग सकती है जिससे सामने वाले की मौत हो जाए और कोई पुलिस केस भी ना बने। एंड दिस फाइट विल बी बिटवीन राजू एंड विजय। राजू राजू शाबाश, चल चल मेरे शेर, मेरे बहादुर शेर, चल। अरे तू बचित्तर सिंह का चेला है, अनडिस्प्यूटेड विनर। देख मोहम्मद अली तो रिटायर हो चुका है और माइक टाइसन उसका एक पांव बाहर और दूसरा जेल में, और मैं तो आजकल बॉक्सिंग करता नहीं क्योंकि मुझे बॉक्सिंग से चीखे आ जाती हैं, और हम तीनों के सिवाय कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो तेरे सामने आने की हिम्मत कर सके। फट्टे छट्टे चक देंगे, मार के मुक्की दब देंगे। वो ऐसे कूड़ने से चैंपियनशिप नहीं जीती जाती। वो आपका बंदा किधर है सर? विजय अभी तक नहीं आया। सर विजय ने आने से साफ इनकार कर दिया है। यस सर। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आज जो भी मैं तुमसे मांगूंगी तुम मुझे जरूर दोगे। ए, मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होती है और तुम पर खत्म होती है, लेकिन उसके बावजूद अगर तुम कुछ मांगना चाहती हो तो मांग लो, जान भी हाजिर है। विजय मैं चाहती हूँ कि आज की बॉक्सिंग चैंपियनशिप तुम लड़ो। इम्पॉसिबल, नो वे, मैं चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लूंगा। विनर अनाउंस करो, जल्दी करो भाई। बॉयज एंड गर्ल्स, पैनल ऑफ जजेस ने ये डिसीजन लिया है कि द विनर इज। ठहरो, आई एम विलिंग टू फाइट। विजय, 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 विजय। ये क्या नाटक बाजी? ओहो, तो ये नाटक हारने के बाद कर लेना भाई। क्या कर रहे भाई? और सुन, जब वो राइट पंच मारने के लिए हाथ उठाए, लेफ्ट पंच से उसके दांत तोड़ देना। ओके। यू शुड बी मोर अग्रेसिव इन अटैकिंग। ओके। यस। ओ प्रिंसिपल साहब, अपना ये जो पट्टा है ना, ये ठंडा डीजल इंजन है, गर्म होने में जरा वक्त लगाता है, लेकिन आपकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना, इसे संभाल के रखिए। दो जमकर पड़ गए ना, पुर्जे बाजार में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम तो फट्टे छट्टे चक देंगे, मार के मुखा दब देंगे। ये दिया ना हाथ तूने बचित्र सिंह कोच वाला। बस
एक पंच और टिका दे, फिर समझ स्ट्रेचर पर ही डिलीवरी हो जाएगी, होम डिलीवरी। तुसी फिकर ना करो पापा जी, हो जाएगा। खुश किताई। और प्रिंसिपल साहब, आप अपने बचड़े को जरा संभाल के रखिए, हमारा सांड बड़ा भारी पड़ रहा है। लेके विजय को उसी बॉक्सिंग रिंग में बड़ी आसानी से मार सकता था वसुंधरा, लेकिन तुमने मुझे रोका क्यों? इसलिए कि विजय वो शख्स है जिसने मुझे 11 बजे की जगह 10 बजे नागदा फोर्ट बुलाया, जहां मेरी बर्बादी हुई। वही सबसे बड़ा विश्वासघाती है, इसलिए उसे सिर्फ मैं मारना चाहती हूँ, सिर्फ मैं मारना चाहती हूँ। विजय, मैंने वो लॉकेट ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे कहीं खो गया है। तुम अपना वर्कआउट खत्म करो, उसके बाद तुम और मैं दोनों जाके प्रिंसिपल से दूसरा लॉकेट ले लेंगे। कोई बात नहीं, चैंपियनशिप मैंने दुनिया के लिए जीता है, लेकिन मेरा असली दुश्मन अभी भी जिंदा है। मैं उसे हराना नहीं, मारना चाहता हूँ। I will kill that bastard. भगवान करे कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। कहाँ जा रहे हो विजय? क्या हुआ प्रीति, चोर तो नहीं आई? कुछ नहीं, प्लीज यू गो अहेड। विजय कहाँ जा रहे हो? कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। डाई प्रीति, इतनी घबरा हुई क्यों हो? इसे बचा लो, प्लीज इसे बचा लो।
किसे? विजय, विजय को कोई तरफ खींच के लेके जा रहा है। मुझे नहीं पता वो कौन है। मेरे विजय को मरते हुए नहीं देख सकती। तो मेरी मदद करो। परवाना, हमको 500 उधार देगा, हम तेरे को कल देगा। ओ यार, 500 क्या, मैं तेरे को 1000 दे दूँ। लेकिन आज दे दे। ओ नो मैन, बोला ना कल देगा। ओ यार, मैं कह रही हूँ आज दे दे, तो कल तेरी हुई है। कल देगा ना। ओए कल किसने देखा यार, आज की बात कर। कल करे सो आज कर, आज करे तो अब कर, अब करे सो हुन कर। कल, आज, कल, आज, कल, आज, कल, आज, कल। निकी, परवाना, क्या हो रहा है? ये किस बात का झगड़ा है? जी, मैं निक्की नू 1000 रुपया उधार दे रिया थी। वो लुटाण दा झगड़ा हो रहा थी। एक कहंदी है कल देगी, मैं क्या आज दे दे। निकी जी, ये लो 1000 रुपए, और जब मर्जी हो लौटा देना। थैंक यू सर। ये अपनी मर्जी से नहीं देगी। क्या बात कर रही हो प्रीति, विजय भी मारा गया? की कर रहे हो? वो तुझे शराब नू कभी छून नहीं रही और बोतल लेके बैठ गया। परवाना, मैं बहुत परेशान हुआ। तुम जाओ यहाँ से। मैं तेरे शराब की बोतल छूने देंगा, मैं तेरे शराब पीने देंगा। परवाना, तुम जाओ यहाँ से। ना जी, ना। देखो तरीका है, शराब पीकर तो शौक ही करेगा। नंबर किया है। हेलो, क्या हुआ? वो तोड़ी वाला फोन है, तेरा प्यार नाल गाल करना। हेलो विवेक, तुम्हें मेरी कसम कि तुम अब शराब नहीं पियोगे, और प्लीज अभी जाके डांस करो, शो करो, प्लीज विवेक, फॉर गॉड सेक, फॉर माय सेक। ओके ओके। अर्ज किया है, जावेद भाई सो रहे ले, जावेद भाई सो रहे ले, अच्छे खासे सो रहे ले, मोहल्ले वाले जग रहे ले, मोहल्ले वाले जग रहे ले, जब जावेद भाई सो रहे ले, जावेद भाई सो रहे ले, सो रहे ले। Understand me, man. Make them coming, make them whining, make them moving, I'm with the dancehall king. Wicked! Say it again, my boy selector. Javed bhai so re le,
जावेद भाई जग रहे ले अच्छे खासे लग रहे ले 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 कौन? अपनी मौत की आवाज को नहीं पहचानते। कौन बोल रहा है? चिल्लाओ मत। अब से ठीक 24 घंटे के अंदर मैं तुझे खत्म कर दूंगा। यू बस्टर्ड! वॉचमैन प्रिंसिपल साहब है क्या? नहीं साहब, वो घर पे नहीं है। अच्छा, उनको बोलना विवेक आया था। वो जब भी आए, जिस वक्त भी आए, उनको बोलना मेरे घर पे आए। मुझे बहुत जरूरी काम है उनसे, बहुत जरूरी काम है, ठीक है? हेलो, करण स्पीकिंग। भैया भैया, मैं विवेक बोल रहा हूँ। भैया, विकी भाई, विकी बोल रहा हूँ। क्या बात है विकी, तुम इतने घबराए हुए क्यों? वो कोई शक्ति है, कोई शैतान है, कोई बला है, पता नहीं क्या है भैया, कोई नहीं जानता। उसने की करके भैया मेरे सारे दोस्तों की जान ले ली है, और अब उसने मुझे धमकी दी है भैया कि 24 घंटे में वो मुझे मार डालेगा। कौन मारेगा तुझे? क्या नाम है उसका? उस हरामखोर को मैं मार दूंगा। मुझे बचा लो भैया। तो वहीं रहना, बस मैं आ रहा हूँ। अभी फ्लाइट पकड़ कर अभी आ रहा हूँ। मैं कुछ ही घंटों में पहुंच जाऊंगा। तो हिलना मत वहां से, मैं भी आया। आई सर। हेलो विवेक, मैं जैसे ही घर पहुंचा तो मुझे मेरी ने बताया कि तुम घर आए थे और तुम बहुत परेशान थे। सर, उसने मुझे 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। सबसे पहले तो तुम एक काम करो, अपना ये लॉकेट उतार कर बाहर फेंक दो। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? देखो विवेक, जब तक ये लॉकेट तुम्हारे गले में रहेगा, उन दोनों में से कोई भी तुम पर अटैक नहीं कर सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार वो दोनों तुम्हारे ऊपर अटैक करें। मैं एक ऐसा बंदोबस्त करके आया हूं कि वो लोग हमेशा हमेशा के लिए फना हो जाएंगे। आई वॉन्ट टू क्लोज दिस चैप्टर फॉर एवर। इसलिए जाओ जाओ, जाकर इस लॉकेट को फेंक दो। ओके सर। तुम लॉकेट के रहते मैं तुझे छू नहीं सकता था, और प्रिंसिपल के बोले बगैर तू ये लॉकेट फेंकता नहीं। अब तेरी मौत सारी दुनिया याद रखेगी। विवेक, क्या ये वही था? हाँ सर, आप आ गए, वरना मुझे मार डालता। ओह सन, वेयर इज योर लॉकेट? तुम्हारा लॉकेट कहाँ है? सर, ये आपका रूप बदल कर आ गया। इसने मुझे ऐसे कन्विंस किया, मैंने अपना लॉकेट उतार के फेंक दिया। ओह नो, मैं लॉकेट लेकर आता हूँ बेटा। ओके भैया। अच्छा भैया, आप आ गए, थैंक गॉड। विवेक, अब मैं आ गया हूं, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं।
अब अगर तेरी मौत भी चाहे तो भी तेरी मौत टल नहीं सकती। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सिर्फ कह नहीं रहा, आज मैं करके भी दिखाऊंगा। लेकिन आप मुझे किस लिए मारना चाहते भैया? क्यों मारना चाहते? सौतेला, तू मेरा सौतेला भाई है और मैं अपने सौतेले भाई को अपनी कंपनी के आधे शेयर्स दे दूं? मेहनत मैं करूं और मेरा सौतेला फायदा उठाए? पर मैंने तो आपसे कभी कुछ नहीं मांगा भैया, कभी कुछ नहीं मांगा आपसे। नहीं मांगा इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कभी नहीं मांगोगे। ये जो कत्लों का सिलसिला चल रहा है इसी में लपेट कर मैं अपने कांटे को हमेशा के लिए निकाल दूंगा। काम मेरा नाम किसी और का। विवेक, मैं आ गया हूं, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूं। पुलिस स्टेशन, पूरी पुलिस फोर्स लेके करण सक्सेना के यहां पहुंच जाइए। वहां आपको हथियारा भी मिल जाएगा और लाश भी। हमें एम्बुलेंस चाहिए। एक घंटे तक अवेलेबल नहीं है सर। क्या जी? पुलिस। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मुझे मेरे भाई को हॉस्पिटल लेकर जाना है। अरे विवेक, मुझे बचा लो इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लो। क्या हुआ, किसने मारा तुम्हें? इसने। विवेक देख, मैं हूँ, मैं करण हूँ विवेक, तेरा भाई हूँ विवेक। करण, तूने मुझे फोन किया था ना, मैं आ गया हूँ विवेक। तू देख, वो मैं नहीं था विवेक। ये नहीं विवेक, वो मैं इंस्पेक्टर साहब। विवेक देखिए इंस्पेक्टर साहब, वो मेरा हमशक्ल था, वो उस दीवार के अंदर गायब हो गया इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, आजकल खूनी फरार नहीं होते, दीवार में गायब हो जाते हैं। बंद करो अपना ड्रामा, गिरफ्तार करो इसे, मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाता हूं। उस आखिरी दरिंदे को भी मैंने आज खत्म कर दिया होता, पर उसकी जिंदगी और मौत के बीच उसका भाई आ गया, और किसी बेगुनाह को मारना मेरे लिए पाप है। करण, दिव्या, अच्छा वो तू आ गई। विवेक हॉस्पिटल में है, उसे किसी ने मारने की कोशिश की, तू जाकर पता करना। अब तो तुम समझ चुके हो मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। लेकिन ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? करण, मुझे धोखे से बुला के मेरी इज्जत लूटी गई। मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। नहीं दिव्या, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। क्या मेरे प्यार पे तुम्हें भरोसा नहीं था? क्या मेरे प्यार की हद सिर्फ तुम्हारे जिस्म तक है? नहीं दिव्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे सिर्फ उन हरामखोरों का पता बता दे, मैं सबको जान से मार दूंगा। उनमें से 6 को तो मुक्ति दे दी है मैंने, अब सिर्फ 1 बचा है और वो है तुम्हारा भाई विवेक। कैसी बातें कर रही हो दिव्या, वो तो तुम्हारे साथ मजाक भी नहीं कर सकता। मजाक करता तो मैं उसे माफ कर देती, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत गंदा खिलवाड़ किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो अच्छी तरह से जानता है कि तुम उसकी होने वाली भाभी हो, और बड़ी भाभी माँ समान होती है। मेरा भाई सपने में भी ऐसा सोच नहीं सकता। सगा भाई नहीं कर सकता, मगर सौतेला जरूर कर सकता है, और उसे मैं खत्म कर दूंगी। दिव्या, तुम्हें ये जान के खुशी होगी कि तुम्हारा छोटा भाई जिंदा है। थैंक यू। और तुझे ये जान के दुख होगा कि बहुत जल्द मैं उसे अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। तू मेरे भाई को मारेगा, मेरे भाई को मारेगा तू? सालों का तुझे जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुझे। पागल हो गए हो? इंस्पेक्टर पे हाथ उठाते हो?
ये इंस्पेक्टर नहीं है, ये बहरूपिया है। उस दिन इसने मेरा रूप लेकर मेरे भाई को मारा और आज अरे बकवास कर रहा है ये। और आज कह रहा है कि बंद करो। अरे आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? वो बहरूपिया है, वो जाकर मेरे भाई को मार डालेगा। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। तेरी अतुल को होश आ गया है, उसने आंखें खोल ली हैं। चलिए ना, प्लीज चलिए ना। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आइए आइए।
सर। अतुल, अतुल, अतुल माय बॉय, क्या हुआ तुम्हें? What happened? Tell me. आज मैं विवेक की जान बचाने के लिए उन शक्तियों से बहुत लड़ा हूं सर। मैं उन्हें मिटा देना चाहता हूं, उन्हें खत्म कर देना चाहता हूं सर, क्योंकि ना अभी तक मेरी हिम्मत टूटी है, ना उसे मारने का मेरा जुनून खत्म हुआ है। I know, लेकिन मैं क्या करूं? इस मिटने वाले शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मेरी आखिरी प्रार्थना है सर, विवेक को बचा लीजिए। प्लीज सेव हिम। इंसान और आत्मा की जंग में जीत परमात्मा की होनी चाहिए। ओह माय सन। Thank you.
जिंदगी मैं तुझे पे लुटाऊं